अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में फिर आक्रोश, इस बार गुस्सा जम्मू कश्मीर में 1 जनवरी को हुई 6 निर्दोष हिंदुओं की हत्या का है। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी में साल 2023 की शुरुआत के 2 दिनों में 2 आतंकी घटनाएं हुई हैं। पहले 1 जनवरी को आतंकियों ने डांगरी में 3 घरों में घुसकर जमकर फायरिंग की। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हुए। और जब सोमवार को इस आतंकी घटना के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने के लिए जुटे तो जिस घर में रविवार को फायरिंग हुई थी उसी घर के पास IED ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, कुल मिलाकर 6 मौत हो गई हैं, जिस पर आज मेरठ बजरंग दल के लोगों का गुस्सा फूटा और प्रदर्शन पर उतर गए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जिसमें जम्मू कश्मीर के मदरसों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत उपाध्यक्ष प्रदीप त्यागी ने यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका, किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे? मेरा नाम प्रदीप त्यागी, प्रांत उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल मेरठ प्रांत से है। ये जो 1 जनवरी को एक जम्मू के अंदर एक टारगेट किलिंग की गई है और हिंदुओं को आधार कार्ड से देख के उनको गोली मारी गई है, 8 हिंदुओं भाइयों को, भाई बहनों को गोली मारी है, ये आतंकवाद हम मांग करते हैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, या तो हिंदुओं को, कश्मीरी हिंदू भाइयों को सुरक्षा दें, वरना हमें बताएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी निकले हैं हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदुओं की सुरक्षा देगा और सारी फोर्स हटा दो बेशक। राष्ट्रीय बजरंग दल कश्मीरी हिंदू भाइयों को सुरक्षा देने का काम सिर्फ सिर्फ राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा। किस तरीके से सुरक्षा देंगे आप? हम उनको उनकी जान की भी गारंटी लेंगे, उनकी माल की भी, उनकी हर तरह से सुरक्षा देंगे हम। किसके नाम आपने ज्ञापन दिया? ये हमने प्रधानमंत्री जी के नाम जिला अधिकारी द्वारा एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में जो मदरसे असामाजिक तत्व जो जेहादी सोच लेकर तालीम देते हैं और शिक्षा दे रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। जो मदरसे वहाँ पर और जो मस्जिदों के अंदर टेररिस्ट पनप रहे हैं, बैठे हैं वहाँ पर सोच लिए अपनी, उनको चेतावनी देते हैं आपके माध्यम से, या तो वो यहाँ से पलायन कर जाएं वरना उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। राष्ट्रीय बजरंग दल अपने हाथ में लेने से नहीं हिचकेगा, उनको सुरक्षा, उनको उनको पाकिस्तान में ले जाकर भी पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो राष्ट्रीय बजरंग दल अपने हाथ में लेगा और हिंदुओं को, अपने कश्मीरी हिंदू भाइयों को सुरक्षा देगा। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओषा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।